हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंज होम वर्ल्ड ऑफ लव वांगज़ियान पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का पार्ट 23 एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहाँ ख़त्म हुई थी, जब अपने वेन और झाओ ने एक दूसरे के सिर पर सिर रखा था, मतलब एक दूसरे के फोरहेड से फोरहेड टकरा कर रखा था और दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, खुद एक दूसरे को पकड़े हुए दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे। और बाकी लोग फई, युआन, ओशी, मिस्टर सेन, ये लोग सभी ने देख ही रहे थे। अब सीन यहाँ से कट हो रहा है और अब हम आ रहे हैं अपने वुशी और युआन के पास। मतलब वुशी और युआन अब घर आ चुके हैं और ये अपने जीशु को वही छोड़ दिया गया है अपने वेंकेसिंग के पास, क्योंकि वेंकेसिंग ने 24 घंटों का टाइम मांगा है। वेंकेसिंग को सिर्फ 24 घंटे चाहिए थे, तो अपने युआन ने 24 घंटे दे दिए हैं वेंकेसिंग को। अब हम जो युआन और वुशी के पास है, तो अपना वुशी पूछता है युआन से कि युआन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो यीशु के बिना नहीं रह सकते ना, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुमने उसे ऐसे कैसे उसके पास रहने दे दिया? तुम नहीं रह सकते थे यीशु के बिना, तुमने उसे कितना याद किया, फिर तुमने क्यों ऐसा किया युआन? वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुमने ऐसा क्यों किया आखिर? तो युआन बोलता है, माना कि वो मेरा छोटा भाई है, पर मैं जानता हूँ कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो उसे हैरान होकर ऐसे बहुत हैरान हो जाता है और युआन को देखता रहता है कि तुम क्या कह रहे हो। उसी वक्त पर अपना युआन एक फ़ोन लेकर आता है, उसे दिखाता है फ़ोन, और वो फ़ोन पुराना हो चुका था लगभग। उस फ़ोन को मतलब बहुत ही पुराना था, चालू तो था पर ज़्यादा उसकी स्क्रीन टच नहीं हो रही थी। एक वो मतलब स्क्रीन फ़ोन था जो कि वो रहता है अपना थोड़ा बड़ा वाला फ़ोन होता है वैसा फ़ोन था, पर उस ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, बस उसकी स्क्रीन ऑन थी। तो उसमें अपने युआन वोशी को दिखाता है, उसमें जो वॉलपेपर लगी हुई थी उस पर वेंकेसिंग की ही वॉलपेपर लगी हुई थी। वो असल में वेंकेसिंग की वॉलपेपर नहीं थी, वो असल में थी जेनियान की वॉलपेपर। और वो उसे दिखाता है और बोलता है, जब हम यहाँ से निकलने वाले थे और मैं यीशु के रूम को चेक कर रहा था, मुझे यीशु की बहुत याद आ रही थी, तो मैं यीशु के रूम पर गया था तो मुझे ये मिला और मैं तब समझ गया कि यीशु वेंकेसिंग से कितना प्यार करता है। ऐसे में तुम्हें क्या लगता है वोशी, क्या मैं अपने यीशु को उसके प्यार से अलग कर सकता हूँ? मैं इतना भी ऐसा नहीं हूँ वोशी कि मैं अपने छोटे भाई को उसके प्यार से दूर कर दूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता वोशी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे बोलता है। और उसके बाद अपना वुशी देखता ही रहता है और बहुत हर्ट होता है, वुशी को बहुत हर्ट फील होते रहता है। अब वुशी ऐसे मन ही मन बोल रहा है खुद को, कितनी अजीब बात है ना, मैंने अभी अपना वुशी मन ही मन बोल रहा है, साफ साफ नहीं बोल रहा, वुशी अपने मन ही मन बोल रहा है, कितनी अजीब बात है ना, जिसकी वजह से मैंने अपना भाई खो दिया, आज उसे उसी के भाई से दूर होता हुआ देख के मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। उसे ऐसा मन ही मन बोल रहा है। अब सीन कट हो रहा है, हम आ रहे हैं ये भाई और अपने किंग के पास। अब अपने ये भाई और किंग का जो ट्रिप था ये ख़त्म हो चुका है, ये दोनों अब वापस आते हैं अपने अपने घर, मतलब इन लोग अपने घर आ रहे हैं। और आते हैं तो अपना किंग सीधे पहले किंग ही घर पर आता है अपने, और अपना ये भाई जो कि अपना हॉस्टल चला जाता है। अब हम देखते हैं अपने किंग को, किंग जब घर के अंदर आता है तो जैसे ही आता है तो वो देखता है साओ को, साओ जो कि बहुत ही परेशान रहती, बहुत ही टेंस रहती हैं, तो किंग देख के हैरान हो जाता है, बोलते हैं, क्या हुआ साओ, तुम इतनी हैरान क्यों हो? तो साओ पहले तो जवाब नहीं देती, कुछ नहीं बोलती हैं। फिर किंग ऐसे बोलता है लागे, साओ क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? तो साओ जवाब देती हैं,
और बताते हैं कि क्या हुआ। वो साओ किंग को जो कुछ भी डुओ ने किया वो सब बता देती है। तो किंग बोलता है अगर उसने ऐसा किया तो तुमने क्या किया। तो साओ अब उसे मतलब अपने किंग को उस समय के बारे में बता रहे कि क्या हुआ जब अपनी डुओ ने साओ को ज़बरदस्ती किस किया था। तो साओ तो पहले छोड़वाने की कोशिश कर रही थी पर साओ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और साओ भी बदले में लुओ को किस करने लग जाती है। फिर जब साओ मतलब ये दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे तो दोनों की सांसें जैसे ही भरने लग जाती हैं तो लुओ दूर होती है और साओ के फोरहेड पर अपना फोरहेड रख कर बोलती है साओ कभी भी मुझे छोड़ कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी और अगर किसी ने भी मुझे तुमसे दूर किया तो मैं उसे मार डालूँगी। अपनी साओ ऐसा ही बोलती है और अपनी साओ जो कि वो चुपचाप ऐसे ही रहती है, कुछ नहीं बोलती, कोई जवाब नहीं देती है। और अपनी साओ बस किंग को इतना ही बताती है कि क्या हुआ करके। तो किंग बोलता है वो तुमसे उसने जिस तरीके से बात किया है इसका मतलब है कि वो तुमसे सच में प्यार करती है, तो तुमने क्या सोचा है तुम अब भी आगे उसे धोखा दोगी या उसे एक्सेप्ट करोगी। तो साओ बोलती है मैं क्या करूँ भाई, मैंने तो सोचा था मैं उसे धोखा दूँगी, जिस तरीके से उसने मुझे ऐसे प्लट किया था मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, पर उसकी ये हरकतें अब मैं खुद नहीं खुद को कंट्रोल कर पा रही, मुझे लग रहा है मैं उसके साथ ही रहूं, उसके साथ रहना चाहता हूँ भाई। तो किंग बोलता है तुम रह सकती हो साओ, तुम रह सकती हो, हमें अक्सर प्यार करने वाले लोग नहीं मिलते और अगर मिलते हैं ना तो हमें उन्हें खोना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम अगर उसके साथ रहना चाहो तो तुम रह सकती हो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। तो साओ बोलती हैं पर भाई मैं एक लड़की के साथ रहूँगी तो क्या आप ये बात एक्सेप्ट कर पाओगे। तो किंग बोलता है अच्छा तो तुम कह रही हो कि तुम अगर लड़की के साथ रहूँगी तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, है ना, यही बात है ना। तो साओ अपनी नज़रें नीचे झुका देती है और बोलती हैं हाँ भाई क्या आप ये बात एक्सेप्ट कर पाओगे। उसी वक्त पे अपना किंग अपना फ़ोन निकालता है और फोटो दिखाता है अपने ये भाई का, दिखाता है और बोलते हैं तुम्हें ये लड़का याद है। तो साओ बोलती हैं हाँ ये उस दिन जो मैं आई थी जब आपको वहाँ पार्क पर बुलाने तो ये यही था ना। तो किंग बोलते हैं हाँ यही था, तुम्हें पता है ये मेरा कौन है। तो साओ बोलती हैं कौन है भाई, दोस्त तो है ना आपका करके। तो किंग बोलते हैं नहीं ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे ही किंग ऐसा बोलता है साओ के होश उड़ जाते, बोलती क्या सच में। तो किंग बोलते हैं हाँ सच में। तो साओ बोलती है तो क्या सच में मैं लोगों के साथ रह सकती हूँ भाई। तो अपना किंग बोलता है कि हाँ हाँ तुम रह सकती हो लोगों के साथ और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाले और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस जैसी पार्टनर कभी भी तुम्हें मिलेंगी। तो साओ बहुत खुश हो जाती है और खुशी से किंग को गले लगा लेती है। अब हम आते हैं अपने ये भाई के पास, ये भाई जो कि अपने हॉस्टल पहुँच जाता है, वो जो कि हॉस्टल के एक रूम में रहता है वहाँ पहुँच जाता है। उसके साथ एक लड़का बैठा रहता है जो कि उसका दोस्त था और वो ये भाई को देखता रहता है। तो देखता है कि ये भाई बहुत खुश है और वो खुशी से मुस्कुरा रहा है। अपना जो भी सामान लेके गया था उन लोग को रख रहा है और चुपचाप रख भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा, बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। तो लड़का पूछता है ओहो क्या बात है भाई बहुत मुस्कुरा रहे हो। तो ये भाई मैं तो नहीं मुस्कुरा रहा, बस ऐसे ही मुस्कुरा रहा था, हल्का हल्का मन कर रहा था। तो उसका दोस्त बोलता है ओ बेटा हमको मत सिखाओ, हमने दुनिया देख रखी है, पता ना कोई पति है क्या बेटा बंदी।
तो वो बोलते हैं तुम ना कभी नहीं सुधरने वाले, अपना ये भाई बोल रहे हैं उस लड़के को, तुम ना कभी नहीं सुधरने वाले ऐसे बोल रहे हैं। और फिर मुस्कुरा रहे तो बोलते हैं अच्छा है तो बंदी नहीं बंदा पता है। तो ये भाई और भी ज़्यादा शर्म आ जाता है, बोलते हैं तुम चुप बैठो। तो वो लड़का बोलते अरे बता देना भाई, मैं थोड़ी ना किसी को बता रहा हूँ। तो अपना जो कि ये भाई का वो लड़का अच्छा दोस्त था, तो ये भाई उसे किंग के बारे में बताता है और वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है, बोलते ओहो मौज कर दी भाई तूने तो, मतलब मैं सोच ही रहा था कि हो ना हो उस लड़के और तेरे बीच में कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, और तूने तो मेरी सोच को एकदम सही साबित कर दिया, आए है मज़ा ही आ गया यार सुन के, ऐसे ही बोलते हैं। फिर अब सीन शिफ्ट हो रहा है एक जगह पर, मतलब एक जगह है जहाँ पर कुछ लोगों की कब्रें बनी हुई है और एक कब्र के पास अपना भूषी आया हुआ है। अपना भूषी उस कब्र के पास आया है, वहाँ उस कब्र के पास बैठ गया और रो रहा है, बहुत रो रहा है और बस इतना बोल रहा है मुझे माफ़ कर देना भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें खो दिया, आज मुझे उसी से प्यार है। मैं नहीं चाहता था उससे प्यार करना, मुझे नफ़रत थी उससे, मैं चाहता था मैं उससे नफ़रत करूँ, उसे बर्बाद कर दूँ, जैसे उसकी वजह से मुझसे मेरा भाई दूर हुआ, मैं चाहता था उससे उसका भाई दूर कर दूँ। पर आज जब मैंने उसे उसके भाई से दूर होता हुआ देखा तो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार मैंने उसकी वजह से तुम्हें खो दिया था और आज मुझे उसी से इतना प्यार हो गया, जब मैंने देखा कि वो उससे दूर हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं बर्दाश्त हुआ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भाई आखिर क्यों, मैं चाहता था कि मैं उसे हमेशा से तड़पता हुआ और दर्द में देखूं, पर जब आज मैंने उसे दर्द में देखा तो मैं ये बात नहीं बर्दाश्त कर पाया, मुझे क्यों लगा कि आखिर मेरा भाई तो मुझसे दूर हो गया तो मैं आखिर एक भाई को उसके भाई से कैसे दूर होने दे दूँ, ऐसे बोल के अपना वोशी रोता ही रहता है। और अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना फई जो कि अपने जहाँ पर उसका जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो उसका ऑफिस रूम होता है वहाँ बैठा हुआ है, और अपना फई अपने पर्स में, जो कि ज़्यादातर लड़के लोग पर्स ही पकड़ते हैं, तो पर्स में एक फ़ोटो रखने का रहता है और फई उसमें फ़ोटो को देखता रहता है और फई की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, फई की आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं और फई उस फोटो को देखता ही रहता है और चुपचाप बस देखता रहता है। उसके बाद अब हम आ रहे हैं अपने वेनके सिंह और अपने झाऊ के पास। अपने वेनके सिंह ने जो कि झाऊ से सिर्फ 24 घंटे मांगे थे, तो अपना वेनके सिंह अब झाऊ के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। झाऊ को उसने मतलब कि एक डिनर डेट पे, मतलब वो कहीं बाहर नहीं लेके गए अपने झाऊ को, घर पर ही डिनर दे दिया है जिसमें अपना झाऊ बैठा हुआ है सामने, और एक मतलब सामने वाले टेबल एक टेबल बैठ बिछाया गया है जिसके एक साइड सामने चेयर पे अपना झाऊ बैठा हुआ है और इस साइड के चेयर पे अपना वेनके सिंह बैठा हुआ है। वेनके सिंह ने बहुत ही प्यारे तरीके से अपने जो टेबल है उसे सजा कर रखा है, फूल गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछरी हुई है जो कि अच्छे से प्यार से सजी हुई है, बीच में एक बॉल रखा गया है जिस पर मतलब हल्के हल्के पंखुड़ी है, लाल रोज़ की वो है पंखुड़ियाँ रखी हुई है, और एक छोटा सा दिया जल रहा है जो कि मोमबत्ती जैसा रहता है वो जल रहा है, और एक वाइन की ग्लास है जो कि रियल वाइन नहीं है, जो कि एक मीठी शराब होती है वो है, और साथ में ही कुछ खाने भी है, मतलब अलग अलग डिशेस है ये सब रखा हुआ है। और वेन बहुत ही अच्छे से अपने झाऊ को प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर रहा है, मतलब उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा है और झाऊ भी बहुत खुश है।
जो बस जो भी ये वेंकेसिंग कर रहा है उसे देख रहा है और ये सब इन लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और वेंके सिंह बहुत ही प्यार से अपने छव से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आशु तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? तो जिशु बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो वेंके सिंह बोलता है आशु मैं एक बात बोलूँ? तो छव बोलते हैं बोलो, मतलब अपना छव खा भी रहा है खुद से, बहुत छव खा भी रहा है, बोलते हैं बोलो। तो वेंकी सिंह बोलता है क्या क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? तो छव ऐसे रहता है और बोलते हैं पता है, तुम वेंकी सिंह हो। तो अपना वेंकी सिंह बोलता है तो जैसे मैं तुम्हें आशु बोलता हूँ, क्या तुम मुझे कोई प्यार से नाम नहीं दे सकते? तो झाओ बोलते हैं तुम्हें और प्यार से नाम हाँ मैं तुम्हें लाववेन बोलूँगा। तो वेंकी सिंह बहुत खुश हो जाता है, बोलते हैं क्या तुम सच में मुझे प्यार से नाम दोगे? तो झाओ बोलते हैं हाँ लाववेन अच्छा नाम है ना। तो वेंकी सिंह बोलते हैं थैंक यू करके ऐसे बोलते हैं। फिर इन लोग ऐसे बातचीत करते ही रहते हैं और फिर अब ऐसे ही करते करते अब वो अपना वेंकी सिंह उसे लेके आता है एक जगह पर, मतलब इनका जो बहुत ही बड़ा घर रहता है अपने मिस्टर सेन का घर रहता है ये, वो बहुत ही बड़ा रहता है। तो लेके आता है उसे एक, मतलब कि वो रहता है स्विमिंग पूल एरिया रहता है, वहाँ लेके आता है। और फिर अपना मतलब कि अपने वेंकी सिंह ने अपने छव को जो स्विमिंग एरिया है वहाँ ले गया है। वो स्विमिंग पूल जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा गहरा भी नहीं था और ज़्यादा कम हाइट भी नहीं थी उसकी, अच्छा मतलब नॉर्मल गहरा था। और वो स्विमिंग पूल पे अपने छव को लेके आता है और ला के उसे वहाँ मतलब दोनों के मतलब बस नीचे के उनका जो बॉक्सर्स होता है वो पहने होते हैं उन लोग, और अपना वेंकी सिंह छव को हाथ लेके आता है उसे उस पुल में, मतलब दोनों मस्ती मजाक करते रहते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। अपना छव भी बहुत खुश रहता है, उसे अलग ही खुशी मिलती रहती है वेंकी सिंह के साथ में। अपना छव बहुत ही खुश रहता है, लगभग अपना ऐसा लगता है जैसे कि छव तो सैनियन को भूल ही गया हो, कुछ ये ऐसा होता है। अपना छव लगभग अब अपनी जैनियर को भूल ही जाता है और वेंकी सिंह के साथ बहुत ही खुश रहता है और बस वो सब मोमेंट को एंजॉय करता रहता है और ऐसे ही देखता रहता है, बहुत खुश रहता है। अब ऐसे ये सब करते करते में ही अपना वेंकी सिंह छव को बैक साइड से हग कर लेता है, उसके शोल्डर पर अपना फेस रखता है और बोलता है आशु I love you, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता आशु, प्लीज़ कभी भी मुझे छोड़ कर मत जाना आशु, प्लीज़ आशु, ऐसे बोलता है। और आशु जो जैसे ही वेंकी सिंह के मुँह से ऐसा सुनता है, अपने छव ने जैसे ही वेंकी सिंह के मुँह से ऐसा सुना, छव एकदम फ्रीज हो जाता है और छव कुछ बोल ही नहीं पाता है और चुप ही रहता है एकदम शांत। कहानी यही ख़त्म हो रही है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ले आऊँगी। और आप सब जाने से पहले बस जय बेंजो लिख कर जाइएगा और उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। और कुछ राज हैं जो कि बहुत जल्द खुलने वाले हैं और वो क्या राज हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तो राज खुलने के लिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना ताकि और भी लोग जाने यार कि आखिर क्या राज है और किसका राज है। तो जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले जय बेंजो लिख कर जाइए। बाय दोस्तों।